जिस जो हमने पढ़ा इसके पहले वाले वीडियो में कि कौन से ऐसे टॉकिंग वर्ब्स है जो अपने साथ प्रेपोजिशन TO2 लेते हैं, उसको मत भूलना, प्लीज स्टेयर सीडी, राइट। चलिए अब हम आते हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंस में प्रेपोजिशन ओमिट आउट होता है। इसको पढ़ने के लिए हमें वर्ब्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा से ये कहा है, वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम बाकी सारे टॉपिक से बहुत अच्छे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। एडजेक्टिव भी वर्ब्स रिलेट हो सकता है, एडवर्ब भी वर्ब से रिलेट हो सकता है। अब हम प्रेपोजिशन को भी वर्ब से रिलेट कर रहे हैं, तो वर्ब आपको अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम प्रेपोजिशन को वर्ब से रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हमारे पास बहुत तरह के वर्ब्स होते हैं। एक हमने वर्ब्स पढ़ा है मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। एक और हमारे पास, वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होता क्या है। ही किल्ड, सपोज मैंने बोला ही किल्ड, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता, हुम डिड ही किल, व्हाट डिड ही किल, राइट। तो ये सेंटेंस हमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। कहने का मतलब समथिंग इज मिसिंग, क्यूरियोसिटी स्टिल, आई मीन यू नो क्यूरियोसिटी स्टिल एग्जिस्ट, हुम डिड ही किल, किसको मारा, राइट। तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। अब मैं लिख रही हूं ही किल्ड अ स्नेक, अब सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, राइट। अब सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। मैंने अ स्नेक ऐड कर दिया है, तो यहां पे स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी मुझे कंप्लीट करने के लिए मुझे यहां किल के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, राइट। ओके, तो ये जो वर्ब है किल, ये सेंटेंस को पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं फॉर्म कर पाता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड, यहां नीड होना चाहिए, नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, राइट। अच्छा, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, मगर इनको प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, मगर प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपने यहां पर प्रेपोजिशन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ही किल्ड इन अ स्नेक, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हाँ, अगर आप बोलोगे मैम यहां पे हम ही किल्ड बाय अ स्नेक लगा दे तब तो सही है, तो नाउ लिसन, दिस बाय प्रेपोजिशन इज कमिंग फॉर अ स्नेक, नॉट फॉर किल। अंडरस्टूड माई पॉइंट? स्नेक के द्वारा, तो ये जो बाय प्रेपोजिशन आप लगा भी रहे हो ना, इट इज कमिंग फॉर स्नेक, इट इज नॉट कमिंग फॉर किल। क्लियर हो गई बात। तो मैं ये कह रही हूं कि ये वाला जो प्रेपोजिशन है, सॉरी, ये वाला जो वर्ब है किल, ये अपने साथ, ये अपने यहां पर दिस बाय, इफ यू एड बाय, इट इज कमिंग विद स्नेक, इट इज नॉट कमिंग विद किल। आई एम सेइंग दैट किल इज a transitive verb that doesn't take any preposition, and if preposition is added there will be a grammatical error. Clear? Jaise tell, yaad rakhna students, tell ek aisa transitive verb hai jo apne saath hamesha object leta hai, hamesha. Agar aapne sentence mein aise likha he told that he was good, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा ही टोल्ड दैट ही वॉज गुड, ये सेंटेंस गलत है। आपको पता है क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि ये जो टेल है ये एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, देखो ही टोल्ड, कोई ऑब्जेक्ट लगा नहीं लगा, तो अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो वो एरर होगा, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, ही टोल्ड मी।
और ये कभी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, टू में नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट ले रहा है तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा, आपको याद है ये टेल क्या है, टॉकिंग वर्ब है, और प्लीज टेल सीडी में टी है ना, टॉक आता है, टेल नहीं आता है, प्लीज टेल सीडी में कहीं पे टेल नहीं है, तो टेल अपने साथ प्रेपोजिशन टी और टू नहीं लेता है, मगर हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर आपने टेल के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखना इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर, फाइन। अब हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ड्स में, इंट्रांजिटिव वर्ड्स में एक सेंटेंस देखे, ही लव्ड, इज दिस सेंटेंस कंप्लीट, ही लव, yes this sentence is complete, love doesn't need object, he slept, no object, he smiled, no object, तो love, smile, sleep ये सब कोई भी ये object नहीं लेता है अपने साथ, तो अगर ये इसको object नहीं लेते हैं इनका मतलब क्या है, इसको object की जरूरत नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं दैट, यहां पर मुझे डू नॉट लिखना होगा क्योंकि यहां पर मैंने सब्जेक्ट प्लूरल है, डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, राइट। हाउएवर अगर आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो, ऑब्जेक्ट इज एडेड, अगर आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो तब आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिखोगे ही लव्ड मी, नो, लव डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, लव डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, बट इफ यू ऐड ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू ऐड प्रेपोजिशन, क्लियर हो गई बात, फाइन। अब हम इसको ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन से कैसे रिलेट करेंगे, अब आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं लेता है, ओके और प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं लेता मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स में आप प्रेपोजिशन को ओमिट आउट करते हो, आप ट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रेपोजिशन को ओमिट आउट करते हो, फाइन, प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो अगर प्रेपोजिशन ऐड कर दिया गया ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आपने प्रेपोजिशन देख लिया तो वो एरर होगा, क्लियर हो गई बात, तो ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे कि कौन से ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन को ओमिट आउट किया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं लगाया जाता है, फाइन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ, हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट पढ़ेंगे या हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट को देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कौन से ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, मगर हम सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम वही ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट हमें नैरो डाउन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा अथा सागर तो नहीं दे सकते हैं हम, राइट डूब जाओगे ना अगर दे देंगे तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आता है आपके और अपने साथ वो प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन आपको समझ में आ गया, प्रेपोजिशन को हम ओमिट आउट करते हैं, किसके साथ ओमिट आउट करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे, फाइन।